आपके स्क्रीन पर नजर आ रही ये दो तस्वीरें देखने में बिल्कुल अलग हैं। पहली को ध्यान से देखिए, इसमें एक शख्स जो करीब 81 साल का है, चेहरे से बेहद बूढ़ा, कमजोर और थका हुआ नजर आ रहा। अब देखिए ये दूसरी तस्वीर, बेहद हैंडसम यंग और टॉल पर्सनालिटी का करीब 32 साल का शख्स। दो अलग अलग तस्वीरें, आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है। दो तस्वीरें दो अलग अलग लोगों की होंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, बिल्कुल गलत। दोनों तस्वीरों में नज़र आ रहे लोग दिखने में भले ही अलग हो, लेकिन ये एक ही हैं। जी हाँ, फ्रॉड का ये सनसनीखेज मामला दिल्ली से सामने आया है। इसका कसूर ये नहीं कि ये भेष बदल कर घूम रहा है, बल्कि ये चेहरा बदल कर अमेरिका जाने की फिराक में था। अमेरिका एक ऐसा मुल्क जहाँ जाने का सपना हर कोई संजोता है, लेकिन ये सपना किसी किसी का ही पूरा होता है। इस शातिर शख्स ने चेहरा बदलकर अमेरिका जाने की क्यों ठानी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से ये शख्स 81 साल के एक दूसरे बुजुर्ग के पासपोर्ट पर अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन अमेरिका जाने से पहले उसको पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। 81 साल के बुजुर्ग के पासपोर्ट पर जयेश नाम के 32 साल के शख्स का हुलिया हूबहू मिल रहा था। ये शातिर IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भेष बदल कर व्हील चेयर से पहुंचा, जहां से वो रात 10:45 वाली फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाना चाहता था। लेकिन उसके हाव भाव को देखकर सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ और इसकी सारी चालाकी धरी रह गई। ये युवक अहमदाबाद का रहने वाला है और किसी अमरीक सिंह नाम के 82 साल के बुजुर्ग के पासपोर्ट पर अमेरिका जाने के फिराक में था। फिलहाल ये अमेरिका तो नहीं, दिल्ली की जेल में ज़रूर पहुंच गया है। पुलिस ने इसके खिलाफ कई धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।